अच्छा सामने होते तो क्या मारती? नहीं, उसको दो तीन मुक्के शुक्के लगा देती, बाकी उसको समझाती, उसको टांग मारती, उसको समझ जाता वो। लेकिन मेरे हस्बैंड है अब, तो जब अब मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं उनसे जूती लाओ पहन दे। नहीं, अब मुझे मेरे दिल ऐसे लगता है कि अभी बर्स्ट हो जाएगा। अभी लास्टली कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं मिली? अभी जूता नहीं मिला था। जूता नहीं मिला था, फिर घर वालों को लगाए जूते? नहीं लगाए तो नहीं, बस नाराज हो गई थी, अब ले लिया। पहले सारा ब्रीफ किया होता है बच्चों को, सबको, अगर फिर भी कोई गलत काम करता है तो फिर गुस्सा तो आने। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्कोप 360 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अंधर मोइन। आज का हमारा टॉपिक ये है कि अगर आपको किसी पर भी गुस्सा है तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर उसको अच्छी तरीके से सुना सकते हैं। तो आइए चलते हैं, लोगों से उनके व्यू लेते हैं। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नेम है आपका? माही नाम है मेरा। माही, किस बात पर बहुत गुस्सा आता है? भाई किसी के धोखा देने पर बहुत गुस्सा आता है, बहुत। पहला इंप्रेशन क्या होता है? कि भाई उसका मुंह तोड़ दूं बस, कि वो मेरे सामने आए और मैं बस उसकी जान निकाल लूं, ये हाल। लास्ट टाइम किस पे बहुत गुस्सा आया और निकाल नहीं सके? अपने दोस्त पे। निकाला नहीं? नहीं, ब्लॉक। निकालते तो कैसे निकालते? ब्लॉक ही कर दिया। हाँ, अगर वो सामने होता तो उसको बहुत मारती। यानी कि डिजिटल गुस्सा निकाला? हाँ बिल्कुल, डिजिटल गुस्सा निकाल दिया उस पे। अच्छा सामने होते तो क्या मारती? नहीं, उसको दो तीन मुक्के शुक्के लगा देती, बाकी उसको समझाती, उसको टांग मारती, उसको समझ जाता हो। तो अब वो जो ब्लॉक वाला सिस्टम हो गया, तो उसके बाद उसने कहा नहीं बहन अनब्लॉक करो, क्या हो गया? नहीं अभी तक तो नहीं, जरा थोड़ी सीरियस मैटर पे हो गया था, वरना। आप पे लास्ट टाइम किसने बहुत गुस्सा किया? मेरे पे लास्ट टाइम किसने गुस्सा किया है? अब किसी ने भी नहीं। यू आर गुड, बिल्कुल। इनके आप किसी को चीट नहीं करते? नहीं बिल्कुल। आमतौर पे उसी बात पे ज़्यादा गुस्सा आता है ना, जिस जो हमारे अंदर क्वालिटी में मौजूद होता है और दूसरों की डिसक्वालिटी होती है। तो आपको चीट पे ज़्यादा गुस्सा आता है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा गुस्सा इस बात पे आता है कि जब कोई झूठ बोलता। तो क्या करते हैं? तो मैं एक तो अवॉइड करता हूँ ऐसे लोगों से जो झूठ बोलते हैं, अगर कोई झूठ बोले तो उसे गाइड करता हूँ कि झूठ बोलना नहीं चाहिए, दैट्स नॉट ए गुड थिंग। तो आगे से वो आपकी बात को अंडरस्टैंड कर जाते हैं? समहाउ कर लेते हैं और समहाउ नहीं भी करते। दिल में क्या ऐसा ख्याल आता है कि पहला क्या माइंड में आता है, जी इसको ये कह दूँ ना तो बस मेरा तो गुस्सा ख़त्म ही हो जाएगा? फिटे मुँह। फिटे मुँह। अच्छा, और इसके अलावा? इसके अलावा नहीं, आई थिंक दैट्स इनफ टू से। इनके अपने दिमाग में यही चीज़ आती है कि बस झूठ बोली है ना, इसके बाद अब मेरे से तो पीछे ही हो जाओ, दूर हो जाओ नज़रों से। और इसके अलावा किसी बात पे लास्ट टाइम किस पे गुस्सा आया था? लास्ट टाइम गुस्सा आया था जब एक दोस्त ने मुझे कहा था कि मैं एक घंटे में आ रहा हूँ, और वो तकरीबन 4 घंटे लेट आया था। तो फिर निकाला गुस्सा? हाँ, जब आया तो उस पर गुस्सा निकाला मैंने। इस तरह उसको डेफिनेटली अपने तरीके से, जैसे फिटे मुँह कह के। और वैसे लोग आप लास्ट टाइम आपके ऊपर किसने गुस्सा निकाला? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं हुआ मुझ पर। आप नहीं झूठ बोलते? इस तरह का नहीं बोलता मैं। इनके कमिटमेंट रखते हैं? हाँ। चलिए, थैंक यू सो मच। आप तो पहले ही ऐसे ही, हमारा गुस्से वाला सवाल है, किस बात पे गुस्सा आता है? गुस्सा किस बात पे आता है? गुस्सा मुझे जब सबसे ज़्यादा आता है जब मुझे लगता है कि मैं जिस समझा नहीं जा रहा तब मुझे आता है। हाँ, जब आपकी बात, यानी कि आपका मतलब होता है कि अगर मैं ठीक हूँ तो मुझे राइट समझा जाए। हाँ नहीं, राइट ना भी, लेकिन कम अज़ कम बोलने का हर इंसान को हक है, तो वो सुन के अंडरस्टैंड ज़रूर करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई छोटा या बड़ा है। अगर एक बच्चा भी कोई बात करता है ना, तो उसको सब उसके वेट देना चाहिए बात। आजकल तो ये है, लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन आपका गुस्से में क्या होता है? पहले तो मैं गुस्से में बस थोड़ी बहस कर लेती थी, अपने पेरेंट्स साथ तो बहस करती थी बस। लेकिन मेरे हस्बैंड है अब, तो जब अब मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं उनसे जूती लाओ पहन दे। नहीं, अब मुझे मेरे दिल ऐसे लगता है कि अभी बर्स्ट हो जाएगा। यानी कि सीधा वॉल कहनो? हाँ, मतलब मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि मतलब मैं, मुझे ऐसे दांत। अब आपका भी सुनूं, घर की भी सुनूं, क्या हो गया? वही ना, मतलब। और वो एक्चुअली अगर वो मेरी बात सुन ले तो गुस्सा नहीं आता, चाहे जितनी बड़ी बात हो, पर मोस्टली वो बात सुनते नहीं है ना। यानी कि आपकी, हाँ, फिर थोड़ा सा ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उन्हें कोई पैगाम देना चाहिए? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मुस्तनसर, ठीक है? तो ये इसी वजह से ज़रूरी है कि आप ज़रूर सुने, कि मुझे लगता है मैं बहुत कम सुनी गई, समझाई? नहीं तो ये आपको बहुत सुनाएंगी। ओके, थैंक यू। हमजा, किस बात पे बहुत गुस्सा आता है? हम बहन भाइयों पे तब तंग करते हैं। बहन भाइयों पे सीधा गुस्सा निकालते कैसे हो? ला जुत्ती फेर के मैं मार दूं। फेंट छड़िया? फेंट छड़िया। तो फिर घर में जो मम्मा फिर बाद में फेंटा छेंटा नहीं लगाती? बहुत अपनों फेंट जाती है। तो आपके जो घर में फिर मदाने जांगे लगा रहता होगा? नहीं, हर रोज नहीं आती, कभी 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 कभी। कितने बहन भाई हैं?
ਇੱਕ ਭਰਾ ਇੱਕ ਭੈਣ ਇੱਕ ਭਰਾ ਇੱਕ ਭੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਕਦੀ ਬੜੇ ਹੋ ਆਪ ਛੋਟਾ ਹੂੰ ਛੋਟੇ ਹੋਤੇ ਫੈਣ ਦੇ ਦੋ ਕਿਆ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਕਿਸ ਬਾਤ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਤਾ ਹੈ ਤਬ ਤੰਗ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਿਆ ਕਾਮ ਲਾਸਟਲੀ ਕਿਸ ਬਾਤ ਪਰ ਆਇਆ ਥਾ ਲਾਸਟ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਓਹੋ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੇਮ ਸ਼ੇਮ ਲਗਾਉਂ ਕੋਈ ਫੈਂਟੀ ਸ਼ੈਂਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤ ਕਿਤਨੇ ਦੋਸਤ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮੈਂ ਰਹਤਾ ਹੂੰ ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮੈਂ ਹੋਤੇ ਹੋ ਤੋ ਵਹਾਂ ਪੇ ਕੋਈ ਕਿਸੀ ਕੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਜੰਗ ਸ਼ੰਗ ਨਹੀਂ ਵਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਆਪਕੇ ਉਪਰ ਕਿਸ ਨੇ ਲਾਸਟਲੀ ਗੁੱਸਾ ਕੀਆ ਹੋ ਹਾਂ ਆਪਕੇ ਉਪਰ ਕਿਸ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਨਿਕਾਲਾ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਸੇ ਸਾਰੇ ਡਰਤੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਹੈ ਨਾ ਚਲੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्या नाम है आपका मरियम फैसल मरियम मरियम आप मुझे ये बताएं कि आपको गुस्सा कितना आता है गुस्सा तो मुझे बहुत आता है बहुत आता है बहुत तो लास्ट टाइम किस पे ज़्यादा गुस्सा आया था गुस्सा आया नहीं आता है लेकिन किसी पे आया नहीं अभी अच्छा किस बात पे गुस्सा आता है बस छोटी छोटी बातों पे आ जाता है सबसे ज़्यादा गुस्सा किस बात पे ये बात होगी तो मैंने तो फट ही पड़ना है बस जब कोई चीज़ पसंद हो ना ले सकूँ तब बहुत ज्यादा आता है हाँ जब बजट में आउट हो जाए या कोई लेके ना दे लेके ना दे कोई लेके ना दे फिर गुस्सा आ जाता है अभी लास्टली कौन सी ऐसी चीज है जो आपको नहीं मिली अभी जूता नहीं मिला था जूता नहीं मिला था फिर घर वालों को लगाए जूते नहीं लगाए तो नहीं बस नाराज हो गई थी अब ले लिया अब ले लिए तो अब आपके जो घर वाले वो इस बात को एग्री कर जाते हैं कि जी ये रोना शुरू हो गए तो काम अब कर दें पूरा हाँ जी जो माइंड में आता है माइंड वाली बातें बताएं आज जो आज तक नहीं कह सकी नहीं ऐसी तो कोई खास बातें नहीं है मैं कह देती हूँ इसलिए मैं ना सबको अच्छा नहीं लगता किसी को भी नहीं सीधा बता बंदा तो किसी को भी नहीं अच्छा हाँ, अच्छा नहीं लगता लेकिन मैं कह देती हूँ ना मैं किसी के साथ ज्यादती करना चाहती हूँ फर्स्ट इंप्रेशन क्या आता है गुस्से में पहले तो मैं दो लगा भी देती थी ठीक है तो लेकिन पहले सारा ब्रीफ किया होता है बच्चों को सबको अगर फिर भी कोई गलत काम करता है तो फिर गुस्सा तो आने लास्ट टाइम अभी कब आया था इसी भी आया था आज ही आया हाँ मैं ये इसे ये इन्हें ये कहती हूँ कि मैं हमने बड़ों की इज्जत की है तो आप भी करें ठीक है ना मैं आप लोगों की बात थोड़ी सुनूंगी ठीक है ना रिश्तेदारों की भाइयों की माँ की बाप की बंदा सुनता है ठीक है तो अब बच्चों की भी सुने हाँ बच्चों को तो सुनानी होती है ना सुननी तो नहीं होती ना इसी बातों पे गुस्सा आता है जी व्यूअर्स तो आपने देखा कि लोगों के क्या इंप्रेशंस होते हैं किस तरीके से वो गुस्सा करते हैं आई होप कि आपने बहुत इंजॉय किए होंगे सबके आंसर्स मिलेंगे इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा अलाने के बाद